मैं डॉक्टर कुमारी प्रियंका, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जगदम्ब कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं अपना लेक्चर राजिया सुल्तान के बारे में दे रही हूँ। सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट को मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में एक प्रभावशाली महिला रजिया सुल्तान के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। रजिया सुल्तान, जिनका कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 तक, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान माना जाता है। फिरोज शाह को वह पदच्युत करके दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही शासन किया, तथापि उसके राज्यारोहण का सल्तनत के इतिहास में विशेष महत्व है। रजिया को राजगद्दी दिल्ली की जनता के समर्थन से प्राप्त हुआ था, मतलब वो जनता के बीच उस समय बहुत पॉपुलर रही होंगी या जनता उन्हें बहुत पसंद करती होगी, तभी तो उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। जनता सदैव उनके प्रति ईमानदार भी बनी रही। इसका कारण यह था कि रजिया ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति अगर नहीं कर पाई तो वह सत्ता को भी त्याग देगी। रजिया को सुल्तान बनाते समय जनता ने धर्माधिकारियों और प्रभावशाली जो तुर्क थे उस समय के, उसमें जो अधिकारी वर्ग जो उनका पद मिला हुआ था, एक अधिकारी वर्ग का या उन्हें जो सम्मान मिला हुआ था, उस वर्ग की उपेक्षा की थी। अतः शुरू से ही रजिया अनेक समस्याओं से घिरी रही। यद्यपि जन समर्थन और तुर्की अमीरों की सहायता से रजिया ने राजगद्दी प्राप्त कर ली थी, जैसा कि हम बताए भी आपको पहले कि उन्हें जन समर्थन भी प्राप्त था, और जैसे कुछ अगर तुर्क उसके खिलाफ थे तो कुछ उसके समर्थन में भी थे, फिर भी उसकी स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी, यानी कि नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग उसके सपोर्टर में थे तो बहुत तो नहीं भी थे। उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। सबसे बड़ी कठिनाई तो थी उसका कि वैध कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे कि एक महिला वहाँ शासिका चुनी जाती है, तो ये सबसे बड़ा तो एक उस समय का सोशल इशू होगा। इल्तुतमिश के बचे हुए पुत्र स्वयं गद्दी हड़पना चाहते थे। इनमें सबसे अधिक महत्वाकांक्षी जो था वह बहराम शाह था, जिसे अनेक अमीर अपना समर्थन दे रहे थे। अनेक अमीरों के स्वाभिमान को एक स्त्री के शासक बनने से ठेस पहुंची थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि कोई स्त्री शासिका बन रही है, वो भी सल्तनत काल में। अनेक अमीरों के स्वाभिमान को एक स्त्री के शासक बनने से ठेस पहुंची। वजीर जुनैदी सहित बहुत से प्रांतीय सूबेदार और जो सरदार थे, जिनमें प्रमुख थे कौन कौन से, जैसे कि मलिक जानी थे, मलिक कुची, मलिक अयाज जो था, और मलिक सलारी थे,
रजिया को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई राजपूत राज्यों में भी उनको विरोध हुआ था। राज्य में सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी, अतः रजिया के लिए आवश्यक हो गया था कि वह परिस्थितियों का नियंत्रण कैसे स्थापित करे, या सबसे पहले उस जो जो चीज़ें उसके राज्य शासन काल में मतलब त्रुटिपूर्ण थी या उसे षड्यंत्रकारी रूप में जो लोग प्रस्तुत कर रहे थे उनसे निजात पाना था। इसीलिए सर्वप्रथम उसने क्या किया कि जो विद्रोही सरदार थे उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उसने दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे एक शिविर की सैनिक शिविर की स्थापना की। दुश्मनों की सेना दिल्ली के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए थी। उसने कूटनीति चाल चलकर सलारी और अयाज को अपने पक्ष में मिला लिया और जो मलिक कुची थे और उसके जो भाई उनको पकड़वा कर हत्या करवा दी। मलिक जानी की भी हत्या करा दी गई। इन घटनाओं से भयभीत होकर वजीर जुनैदी जो था वो सिरमुर की पहाड़ियों में भाग गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रजिया के इन कार्यों से अनेक सूबेदार जो थे वो बहुत आतंकित हो गए, क्योंकि ये उनके कार्यकाल में एक महिला का इस तरह से रूप में आना उनके लिए बहुत आतंकित था। उन लोगों ने रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली, क्योंकि ये उनकी मजबूरी रही, अगर नहीं करते तो फिर उनमें एक भय रहता। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए रजिया ने सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का भी प्रयास किया, क्योंकि अगर वो उसकी गरिमा को नहीं बढ़ाती तो फिर ये भी एक संकट था उसके सामने। उसने पर्दा प्रथा था उसको छोड़कर पुरुष का वेश धारण किया। कुबा, जो कुबा बोलते हैं कोट को, और कुलाह मतलब टोपी पहनकर वह दरबार आने लगी। सुल्तान की गद्दी पर बैठकर वह दरबार में फरियाद भी सुनती थी। उसने पुरुषों की तरह शिकार भी खेलना अपना शौक बनाया, घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। उसके इन सब कार्यों से जनता तो प्रभावित हुई, लेकिन जो अमीर थे, सरदार थे, जो उसके विपक्षी थे, वो इससे बहुत खिन्न हो गए। रजिया ने प्रशासन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। महत्वाकांक्षी तुर्क सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा उनकी बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए यह आवश्यक था कि उन पर नियंत्रण किया जा सके। उसने वफादार गैर तुर्कों को भी अपने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर बहाल किया, जो कि पहले नहीं होता था। नायब वजीर मुहज्जबुद्दीन वजीर बनाया गया तथा जमालुद्दीन याकूत नाम का हबसी अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं, उसके पद पर बहाल किया गया। मलिन हसन गोरी सेनापति बना। कबीर खा अयाज को लाहौर का अकदार नियुक्त किया गया, परंतु उसके विद्रोह करने के कारण उसे हटा दिया गया। अपने अनेक कार्यों के द्वारा रजिया ने राज्य में व्यवस्था स्थापित की तथा अपनी स्थिति भी सुदृढ़ की, परंतु इसके साथ ही रजिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया और असंतोष भी शुरू हुआ, क्योंकि अब उसमें भी था कि जन समर्थन था, कुछ सरदारों का सपोर्ट था, बहुत से लोगों का सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण प्रतिक्रिया और असंतोष तो मतलब व्यक्त होगा ही। रजिया की बढ़ती हुई शक्ति से तुर्क अमीर आशंकित हो उठे थे। धर्म भीरू लोगों को रजिया का पुरुष वेश में शासन करना पसंद नहीं था। रजिया पर यह आरोप लगाया गया कि उसका याकूत, जो कि उसका अश्वशाला का प्रधान जिसे बनाया गया था, उसके साथ अनैतिक संबंध हैं। ग्वालियर के हकीम जियाउद्दीन जुनैदी ने के 1238 ईस्वी में दिल्ली में विस्मयकारी ढंग से गायब हो गए थे, जिसका भी जो दोष था या जो भी कहिए वो रजिया पे ही मारा गया। अब तुर्क सरदारों ने विद्रोह करने के लिए ठान ली।
सबसे पहले लाहौर के सूबेदार कबीर खां अयाज ने विद्रोह किया, परंतु यह विद्रोह दबा दिया गया। अब तुर्क सरदारों ने संगठित रूप से विद्रोह की योजना बनाई। बदायूं, तबरहिंद, तबरहिंद भटिंडा को उस समय कहते थे, ने के अक्तदारों एतक गीन और अल्तुनिया ने इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाई। एतक गीन के इशारे पर अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन करने के लिए राजिया भटिंडा की तरफ बढ़ी। इसी बीच एतक गीन ने राजिया के प्रेमी याकूत की हत्या करवा दी और अल्तुनिया के सहयोग से राजिया को बंदी बना लिया गया। तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया। शासक बनने के पश्चात बहराम ने अपने हाथों में शक्ति सिंचित करने का प्रयास किया और सबसे पहले उसने एतक गीन की हत्या करवा दी, क्योंकि उसे पता था कि ये जब मेरे उसका सपोर्ट नहीं किए तो क्या ये मेरा सपोर्ट करेंगे, मतलब सब अपने अपने मौके के फायदे में रहे। अल्तुनिया इससे आशंकित हो उठा। उसने रजिया को कैद से मुक्त कर उसके साथ विवाह कर लिया। रजिया के साथ अब वह दिल्ली पर अधिकार करने निकला, परंतु बहराम से पराजित होकर दोनों भाग गए। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट अल्तुनिया एवं रजिया की हत्या कर दी गई। जैसा कि हम देखते हैं कि राजिया सुल्तान में बहुत सारे गुण थे, व्यक्तिगत योग्यता भी थी, इसके बावजूद भी वह एक सुल्तान के रूप में असफल रही, क्योंकि उसके जो शुरुआत से ही परिस्थितियाँ थी उसके विपरीत थी और जिससे उसे बहुत सामना करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य में और जीवन दोनों दाव पे लगाना पड़ा। फिर लास्ट में उनकी मृत्यु भी करवा दी गई, मतलब सॉरी, हत्या भी करवा दी गई। राजिया की असफलता के लिए जैसे अगर माना जाए तो बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। अनेक इतिहासकारों का मान्यता अलग अलग ढंग से है, लेकिन जैसे कि इसका मेन, जैसे ज़्यादा लोगों का अगर मत देखा जाए तो उसकी असफलता का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। लेकिन यह जो मत है वह पूर्ण रूप से सही नहीं है, इस क्योंकि वह स्त्री होते हुए भी पुरुषों के गुणों से परिपूर्ण थी। उसमें स्त्री सुलभ दुर्बलता का नामो निशान नहीं था। वह पुरुषों के समान वस्त्र धारण कर दरबार लगाती थी। वह विषम परिस्थितियों में भी बिल्कुल नहीं घबराती थी। एक बार सत्ता खोने के बावजूद उसने पुनः सत्ता प्राप्त करने के प्रयास किए, परंतु अकाल मृत्यु के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कुछ इतिहासकारों के विवरण से उनके विचारों को देखते हैं तो हमें उसकी असफलता का मुख्य कारण जो है वो शासक वर्ग और उलेमा वर्ग का सतत विरोध था, क्योंकि जो उसमें प्रथम वर्ग था उसके हाथों में सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण था, तो दूसरे के हाथ में लोकमत को प्रभावित करने के लिए शक्ति थी। किसी भी सुल्तान के लिए इन दोनों प्रभावशाली वर्गों को अपने पक्ष में मिलाए बिना शासन करना असंभव था। जो तुर्की सामंत वर्ग था वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। प्रत्येक तुर्क अमीर और सरदार अधिक से अधिक सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। इस प्रक्रिया में वे इल्तुतमिश की भी वफादारी को भूल गए थे। और जब जैसे कि इल्तुतमिश से कुछ अगर कहा जाए कंपेयर टू रजिया, वह एक पुरुष था जिसके साथ गद्दारी हो सकती थी, तो यहाँ पे तो रजिया का ऐसा कैरेक्टर है कि उस समय लोग उसको टॉलरेट भी नहीं करते थे, कर सकते थे कि एक महिला हो के शासिका बने। और जो भी अमीर थे वो चाहते थे कि उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखें, लेकिन जब उनका यह सब प्रयास विफल रहा तो उन लोगों ने क्या किया कि अब जैसे कि वो इंडिविजुअल उससे शत्रुता थी, तो अब वो क्या हुए, संगठित रूप लेने लगे। और उस संगठित रूप से और अपनी व्यक्तिगत जो उनकी दुश्मनी थी उनको भुला करके उसका विरोध शुरू कर दिए और इसमें वो सफल भी हुए।
रजिया अकेले इन विद्रोहियों की सम्मिलित रूप को सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगाए गए, चरित्रहीनता का लांछन लगाया गया, जिससे कि प्रजा के बीच भी राज्य की प्रतिष्ठा गिरी। इस प्रकार हम मतलब कह सकते हैं कि राज्य की असफलता का मुख्य कारण सामंत और उलेमा वर्ग का विरोध और प्रतिकूल परिस्थितियां थी। लेकिन जो भी हो, एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महिला वर्ग की शासिका होना भी एक बहुत बड़ा मतलब ये कार्य रहा होगा। जैसे कि कुछ इतिहासकारों ने उनकी प्रशंसा भी की है। मिन्हाज एक हैं जिनका कथन है कि सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार चरित्र और प्रजा की शुभ चिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेत्री। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण वह मर्दों की दृष्टि में उसके सारे गुण बेकार थे। जितने भी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे उसमें सबसे योग्य वह मानी जाती थी। उसमें कूटनीतिज्ञ हो या राजनीतिज्ञ हो या प्रशासनिक क्षमताएं हो, सब कुट कुट के भरी हुई थी। राज्य की राजनीतिक शुद्ध बुद्ध का अंदाज उसकी मंगोल नीति से भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि जब 1238 ईस्वी में मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्यपाल मलिक हसन करलिंग के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो करलिंग ने मंगोलों के विरुद्ध राज्य से सहायता मांगी और अपने पुत्र को दिल्ली भेजा। राज्य ने यद्यपि उसका उचित सम्मान किया तथा उसके खर्च के लिए बरन का लगान निश्चित कर दिया, तथापि रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध किसी गठबंधन में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। तो इस निर्णय को देखकर उसकी दूरदर्शिता का पता चलता है, उसकी एक राजनीतिक क्षमता का पता चलता है, क्योंकि उस समय उसने सल्तनत को मंगोलों के क्रोध से बचा लिया। यद्यपि उसे तुर्की अमीरों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, तथापि जब वह गद्दी पर बनी रही उसने राज्य की वास्तविक शक्ति अपने ही हाथों में रखी। उसके पतन के साथ ही सुल्तान कठपुतली मात्र बनकर रह गया, और जो भी वास्तविक सत्ता शक्ति थी वह चरगान के हाथों में चली गई। राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि में रजिया द्वारा पहली बार किसी महिला के सत्ता में आने का उदाहरण मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जन समर्थन से शासक बनी थी, मतलब यह जनता के सपोर्ट में शासन बनी थी। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि उस समय जनता को भी कोई एक सही शासक नहीं दिख रहा होगा कि जो जन कल्याण के लिए पूर्ण रूप से उस योग हो। तभी तो राजिया सुल्तान को जन समर्थन भी मिला हुआ था। और सबसे बड़ी चीज एक और थी कि उन्होंने तुर्क अमीरों की शक्ति पर कुठाराघात किया और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्ति को संगठित भी किया। जैसे कि हम पहले ही बता चुके आप लोगों को कि जो गैर तुर्क थे उन्हें अच्छे अच्छे पद भी दिए। दुर्भाग्यवश राजनीतिक दूरदर्शिता एवं योग्यता को रखते हुए भी एक शासक के रूप में वह विफल रही। उसे न तो अमीरों को और न ही उलेमाओं का पूर्ण समर्थन मिला, जिसके कारण सभी गुण होने के बावजूद भी महिला होना उसका सबसे बड़ा दुर्गुण बन गया। जैसा कि ये भी हम कह सकते हैं, जैसे इसके कंक्लूजन के अनुसार कि एक अहंकारी पुरुष वर्ग किसी महिला द्वारा शासित होना नहीं चाहता था, इसीलिए वह एक शासक के रूप में विफल रही। लेकिन अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका होने का अगर श्रेय देते हैं तो वह राजिया सुल्तान को ही जाता है। तो इस तरह आज हमने राजिया सुल्तान के बारे में खुद जाना। अब हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट या तो वीडियो होगा, वीडियो क्लिप होगा, या नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी। जय हिंद, जय भारत।